हयात नगर पुलिस स्टेशन में हम लोग कंप्लेन दिए हैं विद गजिट के साथ, जो मस्जिद और कब्रस्तान को शहीद कर दिया गया है कुनूर विलेज में, कुनूर आमलेट का कुनूर विलेज में जी, अब्दुल्लापुर मेट मंडल तालुका, जिसकी वक्फ अराजी 10 घंटे है और वक्फ बोर्ड को चाहिए इस पे एक्शन ले और इमीडिएटली यहाँ पे केसेस बुक कराए। एक बार FIR इशू होगा और उनकी अच्छी तशरीफ पे पड़ेंगी तो दूसरी बार ये काम नहीं होगा। हमारी और यहाँ की तमाम यहाँ के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका जज्बा था, काम चले जब तक आए उसके बाद पहले ये लोग संभाले, उसके बाद हम आके कंप्लेन वगैरह दिए, और मैं श्रीनिवास साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीनिवास रेड्डी साहब, थैंक यू। सलीम भाई इधर आ जाओ करो। साहब इधर आइए आप। पहले किसी का ना किसी का दूंगे, नहीं मिल जाती ऐसा नहीं रहता, मिल जाती। कुतुबशाही मस्जिद है जी, मतलब पूरा नहीं है इधर से सिटी वाले क्या भी है काम वीडियो में लेके जा रहा हूं। ओके, अपना जुड़ा जो है ना वो फोटो तो है अपने चले हैं, हमारे चले हैं। ये कवर करो, आप यहाँ के मुखामी हैं। श्रीनिवास रेड्डी साहब, श्रीनिवास रेड्डी साहब खुद गवाही दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पुराना स्ट्रक्चर है मस्जिद का, ये मस्जिद के स्ट्रक्चर को पूरा निकाल दिया और खबरा है, अभी भी मट्टी हटा है तो खबरा मिलते हैं इसमें। और गजट के हिसाब से, गजट के हिसाब से ये 10 घंटे पे है, जिसमें कब्रस्तान और एक कुतुबशाही मस्जिद है। सर्वे नंबर 295। सर्वे नंबर 19 में ये गजट है, सीरियल नंबर गजट का। जो जो वक्फ एक्टिविस्ट है उन लोग नोट कर लीजिए भाई, 2989 सीरियल नंबर है गजट का, और ये तालुका विलेज में है, तुरूर में है, तुरूर में है ये ओल्ड विलेज, तुरूर है अभी कम से मुंगनूर, अभी इसका नाम है, ज्यादा दूर नहीं है। एलवी नगर नहीं, हैदराबाद में ही आता है ये आपके, एलवी नगर से सीधा आप स्ट्रेट आते हैं हयात नगर, हयात नगर से सीधा चर्च के सामने गली में से अंदर आते हैं कि आपको ये मिल जाएगा। अब्दुल्लापुर मिट्टी में विलेज, ओल्ड विलेज, ये आमलेट थे पहले तुरूर का ग्राम पंचायत के आमलेट थे ये मुनगनूर विलेज, और ये तुरकाई अमजाल म्यूनसिपाल में आता, मंडल में मिट्टू में आता, ये अब्दुल्लापुर मिट्टू में आता, ये हैदनर से करीब 3 किलोमीटर नजदीक थे, हैदनर से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है ये पूरा शहीद करे सो, ये जो पुराना 400 साल के पीछे कुलू कुतुब शाह बना सो ये है, ये 400 साल का भी हिस्ट्री है इसका। ये एक मैंने होगा मेरे ख्याल से पूरा शहीद करिए लोग, रिलेशन जो है ना उन लोग करे सो, ये पूरा गलती है, यह मस्जिद तोड़ना, मंदिर तोड़ना, यह चर्च तोड़ना बहुत ये खराब चीज़ है, आराम चीज़ है, ये चीज़ को हम ये खाने खाने तेलुगु में खंडिस्तुना दी इलांटी दी మేము మా సోదరులందరూ వచ్చారు ఈరోజు ఖచ్చితంగా మాకు రావాల్సినటువంటి 10 గుంటల జమీన్ ఏదైతుందో అది మేము యాజ్ పర్ లీగల్ మీ ఎవరితో దుష్మం చేయట్లేదు, ఎవరితో కొట్లాడలేదు, మా జమీన్ మాకు రావాల్సింది 10 గుంటలు ఖచ్చితంగా మేము తీసుకొని తీరుతాం యాజ్ పర్ లీగల్ గెజిట్లో ఉన్న ప్రకారం సరే నెంబర్ 19 10 గుంటాస్ 10 గుంటే హై ఏ 10 గుంటే బరాబర్ హం లేతే। मैं तहे दिल से दुर्गम श्रीनिवास भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुर्गम श्रीनिवास भाई का। कल भी आप यहाँ पे ठहर के नमाज का एहतमाम कराए और हर चीज के लिए यहाँ पे रहे, ये गंगा जमुना तहजीब के आलमदार है, और आप देखिए आज भी इतने जज्बे से अखड़ के गवाही दे रहे हैं। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह बराबर हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, बराबर हम सब तरक्की करेंगे। मस्जिद की शहादत नाकाबिले कबूल है। मैं हयूम खान से भी बात करा, उन्होंने फाइल लेके पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट करे उस पर केस बुक होगा, और इमीडिएटली वक्फ बोर्ड इसको रिस्टोर करना चाहिए। इमीडिएटली मीन्स इमीडिएटली, जिल्लल गुड़े में भी यही हिस्सा हुआ,
कब्रस्तान और मस्जिद का हुआ, वहां पे भी मतीन शरीफ साहब बराबर काम पे लगे हुए थे। यहाँ पे हमारे श्रीनिवास साहब लगे हुए है। यहाँ की तमाम आवाम, देखिए आप आवाम को भी बताइए, इसमें हिंदू मुस्लिम सब है भाई। अरे कि नहीं, वो मस्जिद का जमीन को बेच के खाने वाले का मजहब नहीं होता। ये मस्जिद के मलबे का भी लीजिए आप। ये खबर है, देखिए भाई ये खबर की तस्बीह है। ये खबर के सीने पे जो आती ना, जो सीने पे आती वो तस्बीह है, ये खबर है। और ये कोई आम आदमियों की भी खबर नहीं हो सकती, जिसपे इतने बड़े पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। उस टाइम के कोई ना कोई नामचीन लोगों के खबर हैं और बहुत खदीम खबर है। अब ये खबर जेसीपी से हटा दे रहे थे हमारे श्रीनिवास भाई, इसको रुकाए। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इमीडिएटली वक्फ को चाहिए इस पर भी एक्शन ले। तमाम लोगों से मैं बोल रहा हूँ, तमाम एक्टिविस्ट से बोल रहा हूँ मैं, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। अगर हम जुड़ेंगे, वक्फ बोर्ड का एक इंस्पेक्टर पूरे रंगारेड्डी को कैसा संभालेंगे? वक्फ बोर्ड में अमला नहीं है, वक्फ बोर्ड में स्टाफ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से, नौजवानों को लीजिए, मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के लगा हुआ हूँ। एक भी अल्लाह का घर मेरे हाथ से अगर आबाद हो जाएगा तो मेरी आखिरत भी बन जाएंगी, दुनिया भी बन जाएंगी। आज हम तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, इसीलिए आए हैं। देखिए आप, खबरें मौजूद है। पूरे माता की डाल दिया इसको। अरे जंगल था, कट करे तो निकला कमरा हो ना, तो ये मालूम रहा है। ये भी ऊंचा वही है, बेस में है, ये बेस में है, ऊंचा डाल दिया शिला निकाल के, नीचे वही निकलता। हां झाड़ा वाला कल काटे तो मालूम हुआ, हां मालूम नहीं होता था। खबर है ये, ये खबर के ऊपर की तस्बीह है। ये जो ऊपर जो रहती खबर की, हां इसको मैं गिरा दिया। छुटिया सीने के ऊपर जो सेंटर में पत्थर हो गया। अभी क्या क्या लिखा? नीचे और बहुत है पीछे। हाँ नीचे बहुत, नीचे और बहुत है। चलिए आइए। ये भी खबर है, देखिए आप, ये पत्थर की बनवट देख लो आप। चार कोरी मारी आप। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अब्दुल्लापुर में आए हैं और विलेज मुंगूर है। यहाँ पे हयात नगर से बिल्कुल करीब में ये है, मस्जिद को शहीद कर दिया गया है यहाँ पे, और कब्रिस्तान के खबरों को, खदीम खबरों को तोड़कर मिसमार कर दिया गया है। ये वक्फ नोटिफाइड मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की मस्जिद है। इसका सीरियल नंबर है गजिट का 2989, और इसके तहत ये सर्वे नंबर 19 में आता, और इसके तहत 10 घंटे ज़मीन है। ये मुकामी मेरे साथ यहाँ के लोग हैं, हमारे हयात नगर डिवीज़न कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट है श्रीनिवास साहब। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के तमाम लोग इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल आप यहाँ पे ठहर के बराबर नमाज का अहतमाम कराए और पुलिस स्टेशन को गए। पुलिस स्टेशन वाले बोले कि जब तक वक्फ बोर्ड से कॉल नहीं आता, चेयरमैन या यहाँ के इंचार्ज का कॉल नहीं आता आरआर डिस्ट्रिक्ट के, जब तक हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते बोले। उसके बाद यहाँ के लोग, जिसमें मैं रहीम मे को कॉल करे, और यहाँ के तमाम लोग जिसमें हमारे मुतब्बर खान साहब है, कलीम भाई है, मोइन भाई है, अनवर भाई है, नसीरुद्दीन साहब है, गौस भाई है, जो गौस भाई यहाँ पे है, इनके दादा परदादा यहाँ के मुतवली रह चुके हैं, और हमारे सद्दाम भाई है, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी हमारे पूरे यहाँ के तमाम भाई है, और हमारे रेड्डी भाया हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आके इस काम को रुकाए। और जब तक ये मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, हर वक्त हमारे खान साहब आते थे यहाँ पे, काम रुकाते थे, हमारे तमाम लोग आते थे। बहरहाल ये ज़मीन की नीयत से इसको तोड़ा गया है, और ये वक्फ प्रॉपर्टी है। मैं गजिट का सीरियल नंबर वक्फ एक्टिविस्ट के लिए बोल रहा हूँ, सीरियल नंबर 2989, ये वक्फ ज़मीन है। मैं हयूम खान से बात करा, कल भी बात करा था, आज बात करा, उन्होंने वक्फ बोर्ड में हैं उस्मान खान साहब, रिकॉर्ड ले रहा हूँ, रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन में बोल के बोले, और पुलिस को चाहिए कि इमीडिएट इस पर एक्शन लेना और इसको यहाँ से उठा के लेके जाना। एक को सही सजा दो आप लैंड ग्रैबर को, दूसरे लैंड ग्रैबिंग्स नहीं हो सकते। जिल्लगुड़े में भी मस्जिद कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया, मलबा उठाने नहीं दिए, मलबे से फिर हम मलबे के वक्त पहुंचे, और यहाँ पे भी सेम ऐसी चीज़ हुआ। अल्लाह मियाँ आज यहाँ पे श्रीनिवास साहब को भेजा, श्रीनिवास साहब की तरफ से ये काम रुका। तहे दिल से मुसलमानों की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप बहुत ज़बरदस्त काम करें, गंगा जमुना तहजीब को ज़िंदा रखते हुए काम करें। और आज मेरे साथ हमारे मतीन भाई है, जो हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहते हैं, मेरी तमाम टीम है,
जो अपने काम को तरजीह नहीं देके ये वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए, चाहे वो मंदिर रहो, मस्जिद रहो, चर्च रहो, हम बराबर इसके लिए खड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ आके ख़त्म होती है ऊपर वाले के ऊपर। तो मैं हैदराबाद की आवाम से, तमाम मेरे मीडिया के भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों की मेहनतों से कई वक्फ जायदादें बची, हम आके सिर्फ यहाँ पे बताते हैं, आप उसको वायरल करके गोशा गोशा पहुँचाते हैं और आला ऑफिसरों तक वो पहुँच के उस पर एक्शन होता है। आज मैं तहे दिल से लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो जो ये मस्जिदों के ताल्लुक से बताए, ख़ास तौर पे हमारे अबू अहमद साहब है, सुबान साहब है, डीटी न्यूज़ वाले है, हैदराबाद डक्कन वाले है, तमाम मीडिया वाले है, तो उर्दू चैनल्स वाले है, तमाम फर्दन फर्दन नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की जस्तजुओं से जैसा भी ये चीज़ वायरल हो रही, प्रिंट मीडिया से ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया काम कर रहा, इस पे ये काम रुक रहा। मैं हयूम खान से बात करा, अभी वापस पुलिस स्टेशन जाऊंगा, सर्कल साहब से बात करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द से जल्द इस मस्जिद को रिस्टोर करेंगे। असल हर चीज़ का मुद्दा ये है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं है। अब मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं है और वक्फ बोर्ड को बिल्कुल भी एकदम कचरे कुंडी के जैसा डाल दिए, वक्फ बोर्ड में स्टाफ नहीं है। एक हयूम खान पूरे आरा डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल सकते, ये बात क्लियर है। आरआर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, एक हयूम खान खाली 24 घंटे गाड़ी भी लेके फिरे तो एक एक जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा ये टीआरएस का फेलियर है। तमाम टीआरएस के मुस्लिम लीडरों को मैं बोल रहा हूँ, भाई जमीर को जगाओ। सात मस्जिद टूट गए, सात मसाजिद टूट गए, कौन वादा करता अपने को मस्जिद बना के देता, नहीं बना के दे रहा, या कोई ऐसी जगह पर बना के दे रहा जहाँ नहीं बनती। हमारे मस्जिदों को पहले तोड़ें कैसा, कब्रस्तानों को मिटारें कैसा, कभी नल्ला पोचम्मा मंदिर तोड़ दे रही, कभी मस्जिद तोड़ दे रही, बिल्कुल गलत है ये चीज़। हम इसका कंडम करते हैं और डिमांड करते हैं तमाम टीआरएस के मुस्लिम कायदीनों से, आप इस पर क्या एक्शन लेते हैं, आप अब तक कौन से मसाजिदों को गए, आप क्या आवाज़ उठाए, कौन सी आवाज़ उठाए आप मसाजिदों के लिए, सिर्फ आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के नीचे यहाँ वहाँ फूल पिना दे रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे नंबर वन सीएम का, पहले सवाल करो सीएम से, क्यों मस्जिद तोड़ा, जानी मास कहाँ गई मस्जिद की, मेंबर कहाँ गया, आज ये मस्जिद अंधेरे में थी टूट गई, कितने अफसोस की बात है। एक मस्जिद नहीं बना सकते हम हैदराबाद में, हम एक मस्जिद नहीं बना सकते, आज हमारी काबिलियत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जायज पैसा होना पड़ता, उसके लिए ईमानदारी दयानतदारी का पैसा होना पड़ता। आज ऐसे लोग है, श्रीनिवास साहब के जैसे लोग है, बल्कि गांव में जंगलों में मस्जिद बच रही। एक दिन में अगर केसीआर साहब वाकई सेकुलर है, एक दिन में पूरे तेलंगाना के मस्जिदों को आबाद कर सकते, एक दिन में पूरी वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे सकते। उनको नरेंद्र मोदी से पूछना नहीं है जुडिशियल पावर के लिए, जैसा 12% रिजर्वेशन वहां रुक गया बोल रहे, जो चीज हो सकती वो चीज करिए। अवाम के सामने इसीलिए आया हूं, पहले तो मैं एक मुसलमान हूं, फिर हिंदुस्तानी हूं, फिर सियासतदान हूं, और आज सियासतदान हूं बोल के यहां पे ठहर के केसीआर को बोल रहा हूं कि तुम झूठे, तुम्हारे वादे झूठे। मैं वक्फ बोर्ड में गुलिस्ता दिन भी जाके तमाम चीजें बताया, रजिस्ट्री नहीं होती, प्रॉपर्टीज पे रजिस्ट्री हो रही, अब ये कैसा हुई, सर्वे नंबर 91 है, इस पे बाई वन या बाई ई या बाई आई आद आगे बताइए, ये आप कैमरा पलटाइए बताइए, ये मस्जिद पे मलगिया बन रही। जब तक आप MRO RDO SRO नहीं मिले हुए रहे, कैसा होता वक्फ प्रॉपर्टीज पे, कैसा होता विदाउट परमिशन। आज देखिए आपको कब्रिस्तान के जानी हर चीज मिल गई, मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कल नमाज पढ़े, ये जंगल की मस्जिद है, यहाँ पे मुखामी लोग 4-8, 6-8 रहते हैं, ऐसे मर्दे मुजाहिद, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, ऐसे मर्दे मुजाहिद की तरफ से आज ये मस्जिद बची। आज तेलंगाना को, तेलंगाना के तमाम मुसलमान आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप आके खड़े, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यावत तेलंगाना प्रजान की नमस्कार, तो मैं गुरम श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद डिवीजन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने मोना मूड नीचे इकड़ जरूर कार्यक्रम मन मुनगनूर विलेज पुराना हैदराबाद मंडल में उड़े इधी तरूर ग्राम पंचायत की आम्लेट उड़े इपड़ अब्दुलापूर मंडल इधी विलयमी तुर्क एमजार मुनपालिटी की वे ग्राम मन గతంలో 400 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మితమైన మసీదు అయితే ఉందో ఇది కొన్ని అరాచక శక్తులు దాన్ని మొత్తము సమాధి చేసి మొత్తం నేలమట్టం చేసి దాన్ని ఒక ప్లాట్ వైజ్గా చేసి కట్టడాలు జరగడం జరుగుతుంది. ఈ విషయం తెలుసుకొని మేము ఇక్కడ కట్టడాలను ఆపుతూ ఇది పోలీసు వారికి కూడా ఓవరాల్గా మేము నిన్న చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే
మా దగ్గర నిన్న గెజిట్ లేకుండే ఆ గెజిట్ ఈరోజు మన ఉస్మాన్ ఖాన్ సాబ్ మదీన్ సాబ్ ఐసి మన ముతబీర్ సాబ్ ఏ బడే బడే అప్నా భాయి లోగ లోగ ఆజ్ గెజిట్ లాయేసో ఇప్పుడు మేము ఆ గెజిట్ తీసుకెళ్ళి సిఐ గారికి లిటరల్గా కాంప్లైంట్ ఇస్తూ దీనికి ఎవరైతే బాధ్యులో వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని యథావిధిగా గతంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరుల ఏదైతే నమాజ్ చేసుకుని అతి పవిత్రమైనటువంటి స్థలం ఏతుందో వారి స్థలం వారికి అప్పచెప్పే వరకు మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ స్థలాన్ని వీడిపోము. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున మేము ఉద్యమానికైనా సిద్ధమని చెప్పేసి మేము గవర్నమెంట్ను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. గతంలో లాక్డౌన్ పీరియడ్లో సచివాలయంలో ఏదైతే జరిగిందో మసీదు అత్యంత పవిత్రమైన మసీద్ను ఆ రోజు కూడా కూలగొట్టినప్పుడు మా ముస్లిం సోదరులే కావచ్చు మా హిందూ సోదరులే కావచ్చు ఆ రోజు మేము రోడ్డుపై ఎక్కి ధర్నా చేయాలని పరిస్థితులు ఉన్నాం. ఎందుకయ్యా అంటే ఆ రోజు అక్కడ జరిగినటువంటి లాక్డౌన్లో మా మీద కేసు వేస్తున్నారు, లాక్డౌన్కు విరుద్ధంగా మీరు రోడ్లపై తిరగొద్దు, పబ్లిక్ జమ కూర్చోదు అన్నప్పుడు చాలామంది మిత్రులు సోదరులు సోషల్ మీడియా ద్వారా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమంగా చేపట్టారు. దాన్ని మళ్ళీ గట్టిస్తాను చెప్తుండ్రు. మేము ఒక్కటే అడుగుతున్నాం, ఏమన్నా సిగ్గు లజ్జ శరం ఉందా? కూలగొట్టడం ఎందుకు, కట్టేయడం ఎందుకు, ఒక సోదరులది మనోభావాలు దెబ్బతీయడం ఎందుకు? మళ్ళీ మీకు ఏసీ కట్టిస్తా బీసీ కట్టిస్తా, మాకు బాబు మాకు ఏసీ వద్దు బీసీ వద్దు, మాకు నమాజ్ చేసుకోవడానికి మాకు పురాతనమైన కట్టడమే సరే మాకు అతి పవిత్రమైంది కాబట్టి ఇక ముందు ఇది ఇదే చివరిది కావాలి, మున్గనూరు విలేజ్ చివరి కావాలి, ఇంకా ముందు కూడా ఎక్కడైనా మసీదు కూలగొట్టడం కానీ మందిర్ కూలగొట్టడం కానీ చర్చి కూలగొట్టడం కానీ జరిగితే మాత్రం ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాటు జరుగుతుంది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తీవ్రంగా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ముస్లిం సోదరులకు 24 గంటలు మేము అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పేసి మీ అందరి ముఖంగా ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నాను. ఇట్లు గురం శ్రీనివాస్ రెడ్డి. అస్సలాము అలైకుమ్. ఆజ్ హమ్ లోగ్ కౌన్ సా గాంవ్ హై మున్గనూర్ మే ఆయే హువే హై. हमारे उस्मान खान साहब को यहाँ के बारे में इत्तला मिली, यहाँ पे एक मस्जिद शहीद कर दी गई जो टीआरएस का हुकूमत के सेकंड सेशन जो स्टार्ट हुआ 2018 में उसके बाद से जो सिलसिला चालू हुआ वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा. जब पहली मस्जिद शहीद हुई थी जब हम लोग बोले थे कि भाई ये मस्जिदें और आगे सिलसिला चालू होगा, एहतजाज के लिए रोडों पर आइए बोल के हम आवाम से गुजारिश करें, कोई सब लोग बोले ये सेकुलर सीएम है, हिंदुस्तान के लिए मिसाल है, फलां फलां बोले. बोलने के बाद वो फिर सिलसिला चालू रहा. आज 8वीं मस्जिद शहीद हो गई. इसके बाद भी क्या मैं ये मुस्लिम कायदीन से जो टीआरएस के है और मजलिस से मैं ये मुतालब पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम कायदीन मुसलमानों के नाम पे जो वोट लिए अभी यहाँ पे है ना मस्जिद चुने నేను చూసినప్పుడైతే ఉన్నది సుమారు ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నది ఇక ఎన్ని ఏళ్ళు ఉండేదో కానీ నేను చిన్నప్పుడు అయితే చూసిన చిన్న ఉన్నపోయి నీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు? నా ఏజ్ ఇప్పుడు 65 సంవత్సరాలకి ఉమ్మర్ అయ్యను ఇంకే బచ్పన్ సార్ లేకే దగ్గరేం కదా మజిత్ యాపే ఇనో ఇతే సార్ సే మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు నరసింహ. మేకం నరసింహ. మేకం నరసింహ. గ్రామం గ్రామం మేకం వెంకయ్య. ఈ ఊరి పేరు? మున్గనూరు. ఇంజపురం ఉండే మేము గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర దగ్గర 65 చూస్తున్నా దానికి ఏమో తమే అది ఎందుకు కూలగొట్టారో ఎందో కానీ కూలగొట్టారు. ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు చూస్తే చిన్నప్పుడు.